बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबिल मलिक। सो आज की हमारी जो रेसिपी है दैट इज़ अबाउट पिशावरी स्पेशल ग्रीन टी, जिसे हम कहते हैं पिशावरी स्पेशल कहवा। उसके बारे में बहुत बड़ा एक लोगों का कंसर्न होता है कि हम जब कहवा बनाते हैं तो उसकी वो वाली खुशबू नहीं आती जो नॉर्मली एक परफेक्ट रेसिपी की होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले बेसिक ट्रिक क्या है कि मैंने यहाँ पे लिया है 4 कप्स ऑफ वाटर, आप देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही मैंने उसमें डाल दिया था 4 टीस्पून ऑफ शुगर। आप शुगर को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें बेसिक पॉइंट क्या है, जब पानी आप देखेंगे बबल्स बन रहे हैं, जब पानी इस तरीके से बॉयल हो जाए तो उसमें आप 5 to 6 जो इलायची है उसके दाने उसको इस तरह से पीस लें, ठीक है। और अभी आपने इलायची नहीं डाली, ठीक है, अभी ये बॉयल हो रहा है, इसकी बॉयलिंग जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, वरना आपका जो कहवा है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है। तो 4 कप्स के हिसाब से मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन टी, ठीक है। और अब हम इसको बिल्कुल इस स्टेज पे इसको डालेंगे ऐसे, और साथ ही इसको हम कर देंगे बंद। बस दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ अवर रेसिपी। इसमें और कुछ भी नहीं करना, लोग इसमें इलायची डाल देते हैं उसको कुक करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस ये हो गया। एंड विद इन 1 मिनट इसको दम लग जाए तो आप इसको डालें। तो चलिए जी, अब हम इसको पोर करेंगे और अब मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ। ये देखें जी, जो कलर हमें रिक्वायर्ड है बिल्कुल लाइट येलो कलर, वही हमें, और साथ ही बहुत ही अच्छी सी इसकी जो फ्रेगरेंस यानी कि जो खुशबू है वो भी फैल रही है। तो बस दिस इज़ ऑल अबाउट अवर पिशावरी ग्रीन टी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।